प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज की नई क्लास के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। कल जो टॉपिक पढ़ाया था उसी टॉपिक का एक क्वेश्चन आज करेंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि जो आपको समझाया गया वो समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके सामने अपने क्वेश्चन लिखने से पहले, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कल अपन ने पढ़ा था रामायण महाकाव्य, जो कि जयशंकर प्रसाद का एक अति कल्पनावाद महाकाव्य है, फैंटेसी है, जिसमें उन्होंने एक नई सृष्टि का कैसे निर्माण हो सकता है और निर्माण हो भी जाए तो उसमें ऐसे कौन से तत्व है या मनुष्य के ऐसे कौन से भाव है या मनुष्य के मन के अंदर ऐसे कौन से द्वंद चलते हैं जिसके कारण उसकी उसका जो जीवन है जो उठा पटक की तरफ चलता है वो द्वंद में रहता है, उसमें कई चिंताएं प्रस्फुटित होती है और कई बार आशा श्रद्धा स्वप्न संघर्ष निर्वीर सारे समय उसके मन में चलते हैं। उसी के द्वारा जयशंकर प्रसाद ने एक नई सृष्टि का निर्माण कैसे हो, किस प्रकार से हो, उसके बारे में इस महाकाव्य कामायनी में बताया गया है। अपने पढ़ा था कि इसमें तीन पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। मनु जो है वो मन का प्रतीक है और श्रद्धा जो है वो हृदय की प्रतीक है और ईड़ा जो है वो बुद्धि की प्रतीक है। हमारे जीवन के अंदर भी मन और बुद्धि पर अंतर्द्वंद चलता रहता है और इस अंतर्द्वंद के चलते जीवन जो है वो हमेशा नकारात्मकता की ओर चला जाता है। अगर इन दोनों में अच्छा सामंजस्य हो तो हमारा जो जीवन है बड़ा ही सुखी व आनंददायक कर सकता है, हम व्यतीत कर सकते हैं उसको अच्छे तरीके से। तो इसी में मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, जब उसके दिमाग में चिंताएं, आक्रोश, गुस्सा, द्वंद ये जब चलते रहते हैं, ऐसे समय उभरते रहते हैं, तो वो ऐसा क्या कार्य करे उस दौरान? उसके हृदय में बुद्धि भी हावी होती है और मन भी हावी होता है, दोनों में संघर्ष की स्थिति होती है। अगर मनुष्य इन दोनों के अंदर सामंजस्य बना ले और सामंजस्य बिठा करके अपना कार्य करे तो वह निसंदेह अपना जो जीवन है बड़ा सफलतापूर्वक व्यतीत कर सकता है, खुशी से, आनंद से, हर्ष से, उल्लास से व्यतीत कर सकता है। ये चीजें तो मैंने आपको कल पढ़ा दी। आज अपन एक क्वेश्चन करेंगे जो कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कामायनी महाकाव्य में जो मुख्य पात्र है श्रद्धा, उसकी चारित्रिक विशेषताएं बताएंगे, उसके ऐसे कौन से गुण हैं जिसके कारण उस महाकाव्य में उसको नायिका का रूप दिया गया है, जो कि मूल काव्य का एक अहम हिस्सा बन जाती है। वैसे तो ईड़ा भी है लेकिन यहां पर श्रद्धा जो है वो एक सकारात्मकता का, त्याग की प्रतिमूर्ति का, समर्पण भाव व कर्तव्यशीलता की प्रतीक
बतलाई है जयशंकर प्रसाद ने, आज हम उसी की चर्चा करते हैं और उसका एक क्वेश्चन करते हैं जो आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। आप अपनी नोटबुक निकालें और नोट करें। आज का प्रश्न जो है वो इस प्रकार है, आपको प्रश्न लिखना है, सरदा सर्ग के आधार पर, श्रद्धा सर्ग के आधार पर श्रद्धा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, श्रद्धा सर्ग के आधार पर श्रद्धा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। अथवा करके आप एक क्वेश्चन और लिखें, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य, कामायनी महाकाव्य की मुख्य पात्र श्रद्धा की चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, को स्पष्ट कीजिए। आपने लिख लिया होगा, अब आप इसका उत्तर लिखिए जो श्रद्धा के बारे में जयशंकर प्रसाद ने इनकी जो विशेषताएं बतलाई है उसके बारे में। लिखना शुरू करें, श्रद्धा जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य का तीसरा सर्ग है। सर्ग का मतलब होता है भाग या खंड, सर्ग का मतलब होता है भाग या खंड। सर्ग का मतलब होता है भाग या खंड, ठीक है। लिखें, कामायनी की श्रद्धा मन की वह सात्विक वृत्ति है जो जीवन को कल्याण की ओर ले जाती है। सात्विक मतलब शुद्ध, जो जीवन को कल्याण की ओर ले जाती है। कल्याण मतलब उद्धार, जीवन के जलते मरुस्थल मैं वह पावस्थी शीतल मंद बया, बया मतलब हवा, शीतल मंद बया है। जीवन के जलते मरुस्थल में वह पावस्थी शीतल मंद बया है। प्रसाद जी ने उसका निर्माण ही दया ओमा माया ओमा ममता ओमा मधुरिमा अगाध विश्वास आदि तत्वों से किया है। मनु भी उसे साधारण रमणीय रूप में ना देखकर सर्वमंगला, सर्वमंगला सब ध्यान रखें, सर्वमंगला, सर्वमंगला मात्र रूप में देखते हैं। सर्वमंगला मात्र रूप में, मात्र रूप में देखते हैं। ये तो होगी इसकी प्रस्तावना। अब नंबर वन पॉइंट डाले आप, नायिका के रूप में, नायिका, ठीक है। क्या होता है, मूल
मूल पात्र है नायिका के रूप में। इसमें लिखे डैश करके नायिका के रूप में। कामायनी महाकाव्य की नायिका के रूप में प्रसाद ने श्रद्धा को चुना। काव्य के प्रारंभ में ही वह निराश डैश हताश मनु को मनुष्य का कर्तव्य बतलाते हैं। वह वीर मनु को कर्मठ पुरुष की भांति जीवन जीने की प्रेरणा देती है। जीवन जीने की प्रेरणा देती है। इसलिए आपने आगे लिखे इसमें सेकेंड पॉइंट ऐतिहासिक चरित्र। इसका जो सेकेंड पॉइंट लिखे आप ऐतिहासिक चरित्र, इसमें लिखिएगा कामायनी में श्रद्धा काल्पनिक पात्र नहीं है, काल्पनिक पात्र नहीं है। सतपथ ब्राह्मण एक शब्द है, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। सतपथ ब्राह्मण श्रीमद् भागवत पुराण आदि ग्रंथों में उसका अनेक स्थानों पर उल्लेख हुआ है। स्वयं प्रसाद जी ने कामायनी की कथा से श्रद्धा को कामपुत्री के रूप में चित्रित किया। इसके अतिरिक्त सतपथ ब्राह्मण और भागवत पुराण में श्रद्धा को मनु की पत्नी और उनके सहयोग से ही मनु के द्वारा मानवीय सृष्टि का आरंभ बतलाया है। मानवीय सृष्टि का आरंभ बतलाया है। प्रसाद ने इस ऐतिहासिक अस्तित्व वाले चरित्र को आधुनिक युग में एक बार पुनः मानव जाति की कल्याणकारी शक्ति के रूप में चित्रित किया है। मानव जाति की कल्याणकारी शक्ति के रूप में चित्रित किया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप प्रतीकात्मक पात्र। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप प्रतीकात्मक पात्र। इसमें लिखे कामायनी में प्रसाद ने श्रद्धा को हृदय पक्ष की प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। मानव जाति के हृदय
होमा मन और बुद्धि के पक्ष में, श्रद्धा हृदय पक्ष का मानव की रागात्मक प्रवृत्ति का प्रतीक है। यही कारण है कि उसमें अपार प्रेम, सहिष्णुता, पर दुख कातरता, समर्पण, कोमलता आदि भावों का सामंजस्य दिखाई देता है। प्रसाद ने उसे हृदय की अनुकृति, बाह्य उद्दार भी इस कारण से कहा है कि आचार्य शुक्ल ने श्रद्धा को विश्वास समर्पिता कहा है। कामायनी ने अपने संचरण के आधार पर प्रसाद ने श्रद्धा को एक आदर्श एवं संपूर्ण नारी का प्रतीक भी बतलाया है। आगे लिखें, उसके हृदय में नित्य नवीन कलाओं को सीखने का उत्साह भरा पड़ा है। विश्व, जीवन, मनुष्य, कर्म, ईश्वर आदि के बारे में भी श्रद्धा के विचार उच्च कोटि के चिंतक के समान है। वह केवल उपदेश देने में रुचि नहीं रखती है, अपितु कर्म द्वारा उन्हें सिद्ध करने के लिए ही प्रस्तुत रहती है। जो मैं आपका पॉइंट यहां तक मतलब बताया गया है, केवल वो उपदेश नहीं देती बल्कि अपने कर्म क्षेत्र में और जीवन, मनुष्य, कर्म, ईश्वर सबके बारे में उसके जो विचार है वो बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही प्रेरणादायक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, त्याग व बलिदान की भावना से ओतप्रोत, त्याग व बलिदान की भावना से ओतप्रोत। श्रद्धा के व्यक्तित्व में उपयुक्त सभी गुणों के अतिरिक्त त्याग व बलिदान की भावना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रलय के उपरांत जब वह मनुष्य मिलती है तो उनकी जीवन विमुख मनोवृत्ति, जीवन विमुख का मतलब होता है जीवन से विमुख हो जाना, जीवन असहाय लगना को देखकर उन्हें भरपूर ढांढस बंधाती है, मतलब विश्वास दिलाती है और जीवन के प्रति आश्वस्त करती है, जीवन के प्रति आश्वस्त करती है। मनु के एकाकी जीवन को संपन्न करने के उद्देश्य से वह उन्हें बेहिजक, उन्हें बेझिझक अपने साक्षात्कार से युक्त करने का वचन देती है, मतलब उनका साथ देती है। जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में होता है और उसका जो जीवन है वो जीवन से विमुक्त होना चाहता है, जीवन असहाय रखना उसको लगने लगता है, उस दौरान
शत्रुता जो है उसका साथ देती है, उसको ढांढस बंधवाती है, उसको आश्वस्त करती है, मतलब उसको सपोर्ट करती है। यही तो श्रद्धा की सबसे बड़ी विशेषता इस रामायण महाकाव्य में बतलाई है। इसलिए जयशंकर प्रसाद कहते हैं नारी के बारे में कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पीयूष स्त्रोसि बहा करो जीवन के समतल पर। ये जयशंकर प्रसाद ने नारी के बारे में बताया। ऐसी त्यागनी सहचरी को पाकर भला कौन सुखी संपन्न नहीं होगा। अपने इसी त्याग व समर्पण भावना से सदा मनु की सहायता व सेवा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप दार्शनिक मनोवृत्ति। नेक्स्ट पॉइंट है दार्शनिक मनोवृत्ति। श्रद्धा के व्यक्तित्व से संबंधित एक और तथ्य है, वो है उसमें दार्शनिक चिंतन। वह सामर्थ्य का समावेश जीवन जगत ईश्वर काम संबंधी उसके विचार बहुत ही ऊंची कोटि के दर्शन की संपत्ति, मतलब उसके जो विचार है, उसकी जो फिलोसफी है, दर्शन है, उसमें चाहे वो जीवन है, चाहे वो जगत है, चाहे वो ईश्वर है, चाहे वो काम संबंधी विचार है, वो बहुत ऊंचे है। ठीक है, आगे लिखे इसमें आप जगत को वह महाचित्ति के लीला में आनंद की सजग अभिव्यक्ति मानती है। सुख दुख को वह जीवन का अनिवार्य चक्र बतलाती है। इसलिए जयशंकर प्रसाद ने बतलाया, क्या बतलाया, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे न बासी धूल, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे न कभी बासी धूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उस सुख है उनकी धूल, आह उस सुख है उनकी। नेक्स्ट लिखे आप कर्मठ जीवन की उपासिका। कर्मठ जीवन की उपासिका इसमें लिखे श्रद्धा कर्म की साक्षात प्रतिमा है। वह न केवल मन से सुंदर है अपितु उसका जीवन कर्म में होने के कारण ही अधिक पूर्ण और आकर्षक है। मनु को भी वह कर्म की ओर प्रवृत्त करती है। प्रवृत्त का मतलब अग्रसर प्रेम और तपस्या के मार्ग को चुनना, कर्म से डर कर भागना, यह उसके जीवन में ऐसा तत्व नहीं है। केवल तपस्या के मार्ग को चुनना और डर कर भागना ये उसके जीवन में ऐसा तत्व नहीं है।
केवल ये मानती है कि हमेशा कर्म की जो तपस्या है उसी के मार्ग पर चलना चाहिए, न कि केवल उससे डरकर भागना। बिना कर्म के क्षेत्र में उतरे पहले से जीवन को हार बैठना, निराश हो जाना श्रद्धा को स्वीकार नहीं है। इसलिए वह लगातार मनु को कर्म करने, सृष्टि का पुनः संचालन करने को प्रेरित करते और सहायता के लिए अपने पूर्ण समर्पण का आश्वासन देती है। ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब सृष्टि पर प्रलय आ जाता है और सारा जीवन निर्थक हो जाता है तो मनु सोचता है कि अब जीवन कैसा चलेगा, कैसे आने वाला जो समाज होगा और समाज का निर्माण करता कौन होगा, उसको संचालित करने वाला कौन होगा। तब श्रद्धा ही उसे प्रेरित करती है और हमेशा कर्म क्षेत्र की ओर अग्रसर करती है। निष्कर्ष रूप में लिखे आप, संक्षेप में कहा जा सकता है कि कामायनी की श्रद्धा एक संपूर्ण नारी है जो हृदय के प्रतीक होकर भी बुद्धि तत्व से शून्य नहीं है, अपितु एक मानव व्यक्तित्व में हृदय और बुद्धि के संतुलित योग होने से उसका जो रूप उभर सकता है श्रद्धा उसी का प्रतिरूप है, उसी की प्रतीकात्मकता मानी जाती है। ये क्वेश्चन आज का यही समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपने इसको सही ढंग से लिख लिया होगा। अगर कोई भी शब्द या लाइन आपको समझ में नहीं आई है तो आप मिश्रा विश्वास रखें मेरे ऊपर, मैं आपकी शंकाओं को आपकी समस्याओं को हल करूंगा। आप तुरंत अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख करके अपनी समस्याओं को बताएं। वैसे ये लेसन अपन ने जब अपनी शुरुआत में क्लास हुई थी जनवरी फरवरी के अंदर उस समय आपको समझाया हुआ है स्पष्ट रूप से, लेकिन फिर भी आप चिंता ना करें। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई भी शब्द या लाइन तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें अपने विचार या शंका, उसका हम समाधान तुरंत करें। इसी आशा के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।